अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसबा और आज मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी को बॉईल करने रख दिया है। पानी हमारा उबल चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून नमक। यहाँ पे मैंने 2 कप पास्ता ले लिया है, आप चाहे तो कोई भी शेप का ले सकते हैं। पास्ता बिल्कुल डन हो चुका है। अब मैं इसको इस पानी से निकाल लूंगी। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैं 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर दूंगी। बटर इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून चौकी हुआ प्याज। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून चौकी हुआ लहसुन। यहाँ पर मैंने 1 कप सॉसेजेस लिए, 2 टेबलस्पून चॉप की शिमला मिर्च, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप ये क्रीम है, आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले लें, इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 कप इसमें मिल्क ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 टेबलस्पून चीज है हमारे पास, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और 1 चीज का स्लाइस ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली, वन टेबल स्पून चिली सॉस, इन सबको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। व्हाइट सॉस हमारी अच्छी सी पकना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो हमने पास्ता बॉईल किया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। व्हाइट सॉस पास्ता हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और उसको करेंगे डिश आउट। थोड़े से पार्सले ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।